अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर खान है। मैं गुज़िश्ता 3 साल से शाह फैसल कॉलोनी में अजीमपुरा रोड पे तवा कलेजी का काम करता हूँ। आज हम आपके साथ तवा कलेजी फ्राई रेसिपी शेयर करेंगे। 1 किलो कलेजी है, बीफ है, मटन है, ये बीफ है। 1 किलो सही, छोटी छोटी बॉडियाँ की गई सही। अभी 3 चम्मच कलेजी मसाला। अच्छा, कलेजी मसाला इसमें क्या क्या चीज़ होती है? इसमें यही धनिया और गरम मसाला, धनिया गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह जो गरम मसाले के होते हैं। मिर्ची भी होती है इसमें, लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च भी है इसमें। और ये चाट मसाला है इसका स्पेशल, जोड़िया बाजार। अच्छा अच्छा, जोड़िया बाजार का ये चाट मसाला। ये धनिया कुटा हुआ सही, सही मिर्च, चिली फ्लेक है ये सही, 1.5 चम्मच सही, 1 चम्मच नमक। नमक ये सिरका है, इसमें जो हीट और स्मेल, नमक अपना जो स्मेल वगैरह होती है अपना वो होता है सही। ये सफ़ेद है ना, डेढ़ पूरा। अच्छा अच्छा, यानी कि 1.5 चम्मच के करीब होगा। जीरा भुना हुआ, भुना कुटा हुआ जीरा, ये कुटा हुआ जीरा, ये 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच ये अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो जो हल्दी थी वो आपने स्टार्टिंग में कलेजी मसाला डाला था? हाँ, वो उसी में सही सही, वो मिक्स मसाला है कलेजी का सही सही। इसको अभी तकरीबन आधा 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए आप रखेंगे, इसको रेस्ट देंगे ताकि ये मसाला जब चल रहे। अच्छा अच्छा, तो इसमें अदरक लहसुन वगैरह वो भी डाल देते हैं सही। एक चम्मच ये अदरक लहसुन दोनों मिक्स है सही। बाकी फ्राई करने के टाइम में जी डाल देंगे। तो इसमें प्याज वगैरह डलते हैं? नहीं नहीं डलते, प्याज नहीं, टमाटर प्याज डलता है। अच्छा अच्छा, ये भी आपका मसाला इसमें लग गया, इसको अभी रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप इसको 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। बस इसको अभी ढक दें। अभी कलेजी को 1 घंटा हो गया ढक कर सही। सबसे पहले डालेंगे घी, घी जी डाल देंगे। अगर कोई कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहे डाल सकते हैं, घी जो थोड़ी बेहतर है। अच्छा अच्छा, घी से टेस्ट अच्छा आता है। अभी घी को थोड़ा गर्म होने दें सही। घी अभी गर्म हो गया सही। अभी गर्म होने के बाद 1 चम्मच पेस्ट जो है ना अदरक लहसुन का इसमें डाल देंगे सही। अदरक लहसुन हाँ, एक इसमें डाला था सही, और एक इसमें डाल देंगे। ब्राउन करेंगे इसको, अच्छे से ब्राउन हो जाए। अभी इसमें ये कलेजी जो है ना सही, ये 1 किलो ये डाल देंगे सही, फ्राई कर देंगे। तो ये कितनी देर फ्राई करेंगे? कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से इसका भुन जाए, कलर भी कलर चेंज हो जाए। टमाटर का पेस्ट बाद में ऐड होगा, भूनने के बाद में अदरक लहसुन में इसको अच्छे से भून लेंगे सही। उसके बाद आग नीचे कितनी तेज रखनी? हल्की धीमी रखनी। अच्छा, दरमियानी दरमियानी सही। साथ साथ हिलाते जाए ताकि नीचे नीचे ना लगे सही।
हरा धनिया है सर, सही खुशबू के, सही। तो ये तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद फ्राई कर दिया, हरा धनिया ऐड की है, खुशबू आ जाए, खुशबू तो माशाल्लाह अभी बहुत ज़बरदस्त खाना स्टार्ट हो गई है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, धीमे आँच पे, हल्की आँच कर दी है ना, सही। ज़्यादा आग लगाएंगे तो जल जाएगी, सही। अच्छे से अदरक लहसुन में इसको भून लें, सही, अच्छे से पक जाए अदरक लहसुन, सही।40 और 5 चपाती। अभी इसको 15 मिनट हो गए भूनते हुए, सही है, सही। अभी इसके बाद डलेगा पेस्ट टमाटर का, टमाटर का पेस्ट, हाँ। और अगर आपके पास बारीक कटी हुई है तो वो भी ऊपर से डाल दें, सही। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट और मजीद इसको टमाटर पेस्ट, ताकि टमाटर के बाद सही भूनेंगे। तो 15 मिनट हमने कलेजी को यहाँ तक भून लिया, अभी टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। तो 1 किलो कलेजी में कितने टमाटर का पेस्ट? आधा किलो टमाटर का पेस्ट, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने, ग्रेवी अच्छी बने, सही सही। तो अभी मजीद इसको हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे, 10 से 15 मिनट तक इसको और। असल में कलेजी में जो अहम चीज है वो है ग्रेवी, ग्रेवी जी। तो अहम चीज़ वही है, क्यों मसाला सब इसकी ग्रेवी में आ जाता है, सही सही, तो खाने में मज़ा आएगा, सही। टमाटर पेस्ट शामिल करने के 4 से 5 मिनट के बाद ग्रीन चिली इस तरह बारीक काट के शामिल कर देंगे। मज़ीद अभी हम इसको 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे। टमाटर का जो पेस्ट हमने शामिल किया था वो उसके बाद आग आग जो है हमने बढ़ा दी थी, अभी धीमी कर दी है आग, सही, 2 से 3 मिनट, सही। ऊपर से धनिया डाल, सही, हरा धनिया दोबारा से माशाल्लाह। तो यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी तवा कलेजी, माशाल्लाह। Thank you.
जी भाई कैसा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट है जी बेटा, बेहतरीन है, पसंद आई आपको? माशाल्लाह।